नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मिरिक थाना क्षेत्र के गयाबाड़ी के पास कांवड़ियों से लदा पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 26 घायल। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया दौरा। सिलीगुड़ी में एक 33 वर्षीय पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 100 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांवड़ियों से लदा पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 26 घायल। मिरिक थाना क्षेत्र के गयाबाड़ी के पास आज कांवड़ियों से लदा एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अलीपुरद्वार के 12 बीसा से 27 कांवड़िया श्रद्धालु पिकअप वैन में मौजूद थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य 26 व्यक्ति इलाज के लिए सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वे जलपेश गए थे और लौटने के क्रम में यह हादसा हो गया। इनफैक्ट আমরা যখন খবর পাই বিডিও সাহেব আমাদের খবর দেন, সাথে সাথে আমরা মেডিকেল কলেজে চলে আসি এরকম একটা ঘটনা খবর পেয়ে। তো তখনও পেশেন্ট আসেনি, আমরা এখন মোটামুটি পেশেন্ট সব ঢুকে গেছেন, এখানে যারা ইনজিওর্ড আছেন আমরা আমাদের মাটিকাড়া ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আছি। তো যত রকম যেরকম সাহায্য দেওয়া হয় এখানে ডক্টরসরা সাথে সাথে ওনাদের অ্যাটেন্ড করেছেন, শুশ্রূষা চলছে, কন্ডিশন সবারই মোটামুটি স্টেবল আছে আমরা যা জানতে পেরেছি। তো আছি আমরা, প্রশাসন সাথে আছি, কোনো রকম কোনো অসুবিধা নেই, বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে। এরা ইনফ্যাক্ট আমরা যতটা জানতে পেরেছি যে জলপেশে পুজো দিয়ে এরা মিরিকে ঘুরতে যাচ্ছিলেন, সেখানেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আনফর্চুনেটলি পিকআপ ভ্যানে ওনারা যাচ্ছিলেন, তো আনফর্চুনেটলি একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে সুকনা হসপিটালে নিয়ে আসা হয়, সুকনা হসপিটাল থেকে এখানে রেফার করা হয় এবং আমরা প্রথম থেকেই এখানে আছি। ভর্তি এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর আছে মোটামুটি 18 জন মতো আছেন এখানে, একজন ক্যাজুয়ালিটি আছেন, একজন মারা গেছেন। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का किया दौरा। कुचबिहार मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन की खराबी से मरीजों को परेशानी हो रही है। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय ने अस्पताल का दौरा किया और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। रॉय ने बताया कि नगरपालिका नियमित रूप से अस्पताल की सफाई कर रही है लेकिन मानसून के कारण पानी जमा होने की समस्या है। 120 एक्सरे প্রত্যেক দিন 50 এন্ড 60 অ্যাভারেজ, কিন্তু লাস্ট 1 মাস 2 মাস ধরে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি 150 পর্যন্ত পার ডে হয়েছে, তবে 80 থেকে 120 স্ট্যান্ডার্ড যে অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রতিদিন। তাহলে এই গত 7 দিনে যে বন্ধ আছে সমস্যা হচ্ছে, তারা বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনছে বা আমাদের মহকুমা হাসপাতালগুলোর সাপোর্ট আমরা এক্ষেত্রে পাচ্ছি, কিন্তু সেটাতে প্রবলেম হচ্ছে, রোগীরা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, ইন হাউস বেশ কিছু পেশেন্ট তাদেরকেও বাইরে করাতে হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা তাই জন্য তড়ি করি কতটা দ্রুত সম্ভব এই মেশিন সারাই করানো যায় এই ব্যাপারে উদ্যোগ। এই যে ব্যাকলগটা তৈরি হলো, এই ব্যাকলগটাকে ক্লিয়ার করবার জন্য 7 দিন পরে মেশিন মানে। सिलीगुड़ी में सगी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कलयुगी पिता गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक 33 वर्षीय पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिता ने 11 वर्षीय नाबालिग बेटी का कई बार यौन उत्पीड़न किया। पत्नी ने बताया कि बीते कल वो काम पर गई थी, जैसे ही उसकी घर पहुंची तो पता चला कि बेटी का यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका पति इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर मामले की जांच कर रही है। टॉक टू मेयर कार्यक्रम में छात्रा की शिकायत पर पंखा लेकर स्कूल पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हाकिमपाड़ा गर्ल्स स्कूल में पंखे पहुंचाए। यह कदम टॉक टू मेयर कार्यक्रम में 6ठी कक्षा की छात्रा श्रेयसी बनिक की शिकायत के बाद उठाया गया। श्रेयसी ने कक्षा में पंखों की कमी और गर्मी से होने वाली परेशानी के बारे में बताया था। मेयर ने आज स्कूल जाकर श्रेयसी से मुलाकात की और स्कूल को 2 पंखे सौंपे। उन्होंने इस पहल पर खुशी जताई और कहा कि बच्चे भी अपनी समस्याएं बताने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, देखा कर लाम क्लास 6C श्रेयसी ने श्रेयसी बनी और संगे कथा बोल 4 फैन आज हमारे मन हे एक शनिवार दिन हमें भलोक चेक करब और एर मध्य
আর কানেকশানটা চলে গেল। মেয়েটি বলল ওরা যে যে ইনফর্ম করেছে তারপর দিন থেকে একটু স্পিডটা বেশি হচ্ছে, স্পিড মনে হয় কম ছিল, ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, চারটে ফ্যান আছে আর দু তিনটে ওয়াল ফ্যান উঁচু করে ওয়ালে লাগিয়ে দিচ্ছি, 18টা রুম আছে, শনিবার দিন কর্পোরেশনের লোকেরা আসবে, তারা 19টা রুমে দেখে নেবে, 18টা 19টা রুম আছে, যদি আরও কিছু ফ্যান লাগে তো আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। सिलीगुड़ी पधानगर थाना पुलिस ने डकैती के मंसूबे पर फेरा पानी, चार गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पधानगर थाना पुलिस ने एक बड़ी डकैती की योजना को नाकाम करते हुए चार बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी सिक्किम, घूम, उदलावाड़ी और खोड़ीवाड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से कई हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। 10 से 12 बदमाश का दल दागापुर के एक चाय बागान में डकैती की योजना बना रहा था, जिसमें से कुछ फरार हो गए, कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग मिरिक? लक्जरी मीट्स सेरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेंड इन मिरिक्स माउंट क्वीन। जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी, द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन और कॉर्पोरेट इवेंट्स। एक्सपीरियंस ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ मिरिक लेक एंड द पाइन ट्री लैंडस्केप फ्रॉम द होटल, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है, तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता, द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। वी फोकस ऑन मेकिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री। By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. 4 rupya ma 1 crore, 1 crore 4 rupya ma. Keval 4 rupya ma 1 crore. 4 rupya ma 1 crore. Ke 1 crore keval 4 rupya ma. Kinhos dear saptahik lottery keval 4 rupya ma. Ani jitnu hos pahilo puraskar 1 crore rupya. 4 rupya ma 1 crore, 1 crore 4 rupya ma 4 rupya. Dear saptahik lottery. भाग्य बदलीने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, चार धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हॉल भी उपलब्ध है, तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका गैलेरिया अब सिलीगुड़ी में झट्टै संचालन में आइरहेको छ। 140 वटा दोकान भएको सात तले शॉपिंग मॉल, जहां तपाईले सेपरेट सर्विस एलिवेटर, सिटिंग, लॉन्जिंग एरियाज, हाइजेनिक टॉयलेट्स र सेपरेट सर्विस एरिया को सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिंग र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट,
एस्केलेटर पार्किंग र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अपोजिट ग्लोबल टावर बानेश्वर मोड ईस्टर्न बाईपास रोड सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस, क्या विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कुरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़ सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नक्सलवाड़ी जमीन विवाद में वामपंथी दलों ने सरकारी जमीन हड़पने और फर्जी पट्टे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। आज CPIM और CPIML समेत अन्य संगठनों ने जुलूस निकालकर और वीडियो को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि अशरफ अंसारी ने 1976 में लुथरू संथाल की जमीन पर कब्जा किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नदी तल पर कब्जा शमशान घाट की जमीन पर ठोस अवशिष्ट पदार्थ की साजिश चल रही है। BLRO ने 10 लोगों के नाम से शिकायत लिखे है लेकिन केवल 3 को गिरफ्तार किया गया है। वाम दलों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। दाबीर मध्ये লুথরু সাঁওতালের জমি তার ওয়ারিসদের কাছে ফেরত দেওয়া হোক এক নম্বর দাবি ছিল আমাদের। আমরা বলছি সেই জমিতে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর দাবিতে আমাদের আছে শিবর সুরজবর এলাকা, বড়বনিরাম এলাকা। বড়বনিরাম এলাকায় 99 বিঘা জমি বিক্রি হয়ে গেল কয়েক কোটি টাকায়, সেই পুরনো জোরদারদের জমি দেখিয়ে। সেখানে যারা আধিয়ার বর্গাদার, সেই বর্গাদারদের উচ্ছেদের চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি বর্গাদারদের চাষের অধিকার দিতে হবে, তারা চাষ করে চাষের অধিকার তাদের দিতে হবে। শিবর সুরজবরে এরকম 6-6 বিঘা জমি, গোসাইপুর এলাকায় ভরত সিং মৌজায় শ্মশানের জমিতে বোর্ড লাগানো হয়েছে। গোসাইপুর মৌজায় গোসাইপুর জিপি এলাকায় লালমন মৌজায় সেখানে শ্মশানের জমিতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের শতবর্ষ প্রাচীন একটা সমাধিস্থল সেটার মধ্যে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা হবে বলছে। ঘুষরু মৌজায় আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় চাষ করে জমি, সেই জমিতে গিয়ে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইগুলির বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে বিডিওর কাছে আমরা জানি। जलपाईगुड़ी में पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की कारों से बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर किया नष्ट। जलपाईगुड़ी पुलिस के तरफ से पहले ही श्रद्धालुओं को चेतावनी दी गई थी कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए बोलबम यात्रा पर शराब न पिए और शराब न ले जाए, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए श्रद्धालु अपनी गाड़ी में शराब ले जा रहे थे। रविवार की रात धूपगुड़ी थाने के पुलिस ने धूपगुड़ी स्टेशन जंक्शन इलाके में कार, बाइक और टोटो को रोका। तीर्थयात्रियों की लगभग हर कार की तलाशी ली गई, जिनमें से बोलबम यात्रियों की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए जिसको आज नष्ट कर दिया गया। डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे 3 बदमाश, गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पद्भक्तिनगर थाना अंतर्गत आशुगढ़ चौकी के पुलिस ने डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा हुए 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में गोविंद सरकार, नित्यानंद रॉय और जीवन दास शामिल है। देर रात आशुगढ़ चौकी अंतर्गत फारूक घाटी इलाके में पुल के नीचे 10 बदमाश इकट्ठा हुए थे और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, कई भागने में सफल रहे। आरोपियों के पास से कई लोहे के वस्तुएं और हथियार बरामद किए गए। आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में चोरी मामले में एक गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। सिलीगुड़ी में चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने शेरू सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। चोरी सिलीगुड़ी सुभाषपल्ली इलाके में कल्याणी चक्रवर्ती के खाली घर में हुई थी। पुलिस ने चोर से पूछताछ के बाद चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया पौधारोपण, सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल और स्वयंसेवी संस्था निष्ठा स्वार्थ सेवा के सहयोग से सुरेशन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से विभिन्न प्रकार के फूल और पौधों के 50 पौधे लगाए गए। संस्था के सदस्यों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार उपस्थित रहे। ওদের অর্গানাইজেশন নামটা কি বল? নিঃস্বার্থ সেবা মঞ্চ। এরা আছে না এখানকার, ওনারা ভালো কাজ করছেন, সোশ্যাল সার্ভিস করছেন, ওরা এনভায়রনমেন্টের পক্ষে কাজ করছেন এবং এখানে
গাছগুলো ওনারাই দিয়েছেন এবং ওনাদের উদ্যোগে আমরাও এসেছি, গাছগুলো লাগাচ্ছি, পার্কটাকে আরও সুন্দর সবুজ এবং আরও দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয় করে তোলার কাজ চলছে। ওয়েদারটা খুব খারাপ আছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা লাগালাম, আশা করি দু চার দিনে বৃষ্টি আসবে এবং সবাই মিলে আমাদের শহরকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। এই ধরনের যারা সংগঠন, এনজিওস বা অন্যান্য যারা সহযোগীরা আছে, সবাই মিলে আমাদের শিলিগুড়িকে করতে হবে, খালি কর্পোরেশনের। सावन के महीने में जलपेश मंदिर में श्रावणी मेले की धूम, बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जलपाईगुड़ी के जलपेश मंदिर में श्रावणी मेला शुरू हो गया है। यह मेला एक महीने तक चलेगा। दूर दूर से आए भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। मंदिर समिति के सचिव गिरीन देव ने बताया कि भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैनागुड़े पुलिस स्टेशन से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अब तक कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। सिलीगुड़ी में ईस्टर्न बाईपास से सटे जटेश्वरी बाजार के पास पंचानन नदी से एक कछुआ बचाया गया। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास से सटे जटेश्वरी बाजार के पास पंचानन नदी से एक कछुआ को बचाया गया। जानकारी मिली है कि काम करने के दौरान कर्मचारियों को पंचानन नदी में कछुआ मिला, तो उन्होंने दुकान के मालिक को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही डाबग्राम रेंज के वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे और कछुआ को रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कछुआ इस नदी में कैसे पहुंचा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। भाग्य बदलिने बाटो।